हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शर्मा इंग्लिश गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टेंस की सीरीज में ही नेक्स्ट टेंस पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस टेंस की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। यह टेंस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है, जिसके बारे में पूरी जानकारी ट्रांसलेशन हमें आना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आइए दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बिना हम सीधे टेंस पर आते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस टेंस, यह टेंस उसी प्रकार है जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस टेंस हुआ करता था। बस फर्क यह है कि ये पास्ट में है, यानी कोई कार्य पास्ट टेंस में शुरू हुआ था और वह जिस समय बात की जा रही है उस समय तक वह काम लगातार चल रहा था या उससे कुछ समय पूर्व ही वह समाप्त हुआ था, वह होता है पास्ट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस में शुरू हुआ है कार्य और लगातार चलता जा रहा है बिना रुके, फिर जिस समय बात की जा रही है उस समय तक या तो वो कार्य चल रहा है या उससे जस्ट कुछ समय पूर्व ही वह कार्य समाप्त हुआ है, वह होता है पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? तो इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लिखे हुए होंगे। दूसरी बात, पास्ट परफेक्ट टेंस में समय लिखा हुआ होगा, टाइम विल बी मेंशनड देयर, समय लिखा हुआ होगा। तो समय तो किसी भी टेंस में लिखा हुआ हो सकता है, पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस में जो समय लिखा हुआ है उसकी यह खास बात है कि उस समय के ठीक बाद में से लिखा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पहली पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लिखे हुए होंगे। दूसरी बात, समय आएगा, वाक्य में समय लिखा हुआ होगा और उस समय के ठीक बाद में से लिखा हुआ होगा। रूल्स, पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस की केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वह है हैड बीन। सिंगुलर के साथ भी हैड बीन और प्लुरल के साथ भी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। कार्य की कंटिन्यूटी को शो करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और पॉइंटेड टाइम से पूर्व सिंस का प्रयोग किया जाता है। टाइम लिखा हुआ आएगा वाक्य में तो पॉइंटेड टाइम से पहले क्या लगाएंगे? सिंस, जो टाइम फिक्स है, जो टाइम निश्चित है, उस निश्चित समय से पहले हम लगाते हैं सिंस, जैसा कि हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस में पढ़ा था। और ग्रुप ऑफ टाइम से पहले लगाएंगे फोर। ग्रुप ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले हम फोर का प्रयोग करते हैं। फोर के प्रयोग में ज्यादातर यह देखा जाता है कि समय के ठीक पहले काउंटिंग लिखी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम सोमवार से, यहां देखिए, राम सोमवार से जयपुर जा रहा था, तो सोमवार से टाइम के ठीक बाद में से लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है सोमवार, निश्चित समय है, डे ऑफ द वीक निश्चित समय है, तो इससे पहले क्या लगेगा? सिंस मंडे लग जाएगा। लेकिन यही दिन यदि समय का यदि ग्रुप बन जाता है, ड्यूरेशन बन जाती है कि उस दिन से लेकर इस दिन तक, एक दिन से लेकर पांच दिन तक, ये ड्यूरेशन बन जाती है, पीरियड ऑफ टाइम बन जाता है या ग्रुप ऑफ टाइम बन जाता है, तो उससे पहले हम फोर का प्रयोग करते हैं। इसी में यदि हो जाएगा कि वह पांच दिन से स्कूल नहीं जा रहा था तो क्या हो जाएगा? फाइव डेज, डेज है लेकिन डेज के ठीक पहले क्या आ गई? काउंटिंग। इस प्रकार से हम सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। पॉइंटेड टाइम से पहले क्या लगाएंगे? सिंस। और ग्रुप ऑफ टाइम से पहले, पीरियड ऑफ टाइम से पहले, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले हम फोर का प्रयोग करते हैं। पहचान और रूल्स दोनों हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं।
पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, समय लिखा हुआ होगा, समय के ठीक बाद में आएगा से, नियम क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस की, हैड बीन, कंटिन्यूट वाक्य की कार्य की कंटिन्यूटी को शो करने के लिए क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, पॉइंटेड टाइम से पहले सिंस, ग्रुप ऑफ टाइम से पहले फो। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हम हल करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमें याद है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसे इस टेंस के हिसाब से यदि हम खोलते हैं तो हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैड बीन, वर्ब में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, और प्लस टाइम। तो देखिए दोस्तों आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है, डॉक्टर शर्मा वर्षों से अनुसंधान कर रहे थे। किसी भी वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने से पहले सबसे पहले हमारा जो कार्य है वो है टू आइडेंटिफाई द टेंस। तो टेंस पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्य के लास्ट में देखते हैं, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रहे थे, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, रहे थे लिखा हुआ है, क्योंकि रहे थे लिखा होने से होते कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दूसरी और पहचान है इसकी, वो क्या है कि टाइम, टाइम के ठीक बाद में से लिखा हुआ होता है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और समय लिखा हुआ होगा, टाइम इज मैंडेटरी हियर, समय लिखा हुआ होगा और उस समय के ठीक बाद में से लिखा हुआ होगा, तो कौन सा टेंस हो गया, इट इज पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस पहचानेंगे नंबर दो पर, तो सेंटेंस के लिए हमने देखा कि ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव हो गया, क्योंकि इसमें ना नहीं मत लिखा हुआ नहीं है, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, डॉक्टर शर्मा, तो हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा डॉक्टर शर्मा। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस की केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सोचने की आवश्यकता नहीं है कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगी, प्लूरल के साथ क्या लगेगी, तो हेड है, केवल एक ही है, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन, डॉक्टर शर्मा हैड बीन वर्ब कर रहे थे, डू, डूइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डॉक्टर शर्मा हैड बीन डूइंग अनुसंधान, रिसर्च, रिसर्च वर्षों से, कितने टाइम से, फिक्स टाइम नहीं है, वर्षों से, दो वर्ष, पांच वर्ष, बीस वर्ष, कितने वर्ष हो सकता है, तो टाइम इज नॉट सर्टेन हियर, टाइम इज नॉट फिक्स हियर, तो पॉइंटेड टाइम नहीं है, तो ग्रुप ऑफ टाइम हो गया, वर्षों से, कई वर्षों का एक ग्रुप बन गया, ड्यूरेशन बन गई एक, तो उससे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, फोर का, तो क्या हो जाएगा, फोर वर्षों से, तो ईयर्स, डॉक्टर शर्मा हैड बीन डूइंग रिसर्च फॉर ईयर्स। दूसरा सेंटेंस देखिए, हम 1998 से जयपुर में रह रहे थे, वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी लिखा हुआ आ गया, टाइम लिखा हुआ आ गया 1998, और टाइम के ठीक बाद में लिखा हुआ आ गया से, इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस पहचाना, किससे शुरू हो रहा है, इट स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट, और वाक्य के बीच में ना नहीं मत लिखा हुआ नहीं है, तो कौन सा होगा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, कार्य को करने वाला, तो इसमें काम कौन कर रहा है, हम 1998 से जयपुर में रह रहे थे, वर्ब से प्रश्न करो कौन रह रहे थे, आंसर आएगा हम, तो सब्जेक्ट हो गया हम, हमको बोलते हैं वी, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड बीन, वी हैड बीन रह रहे थे, लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, वी हैड बीन लिविंग जयपुर में, इन जयपुर, और 1998 से, फिर पॉइंटेड टाइम है, सन है जो पॉइंटेड टाइम में आती है, डेट पॉइंटेड टाइम में आता है, तो क्या हो गया, वी हैड बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1998। इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाता
है। नेक्स्ट हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान करना हम जानते हैं, वाक्य किससे शुरू होगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा, और सब्जेक्ट से शुरू होने के बाद में वाक्य के बीच में ना, नहीं, मत लिखा हुआ होगा। पहचान हम शुरू से करते आए हैं, नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी हैड बीन लगेगा। उसके बाद में हैड बीन लगना चाहिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैड बीन। लेकिन हमने प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में भी देखा था कि हैड बीन एक साथ काम में नहीं आती है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका सूत्र किस तरीके से था, ध्यान आ रहा होगा आपको, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में हैज या हैव नोट प्लस बीन, तो ऐसे इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इस तरीके से फार्मूला बनेगा, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है लेकिन हैड बीन एक साथ नहीं आएगी, हैड बीन के बीच में क्या लगेगा, नोट लगेगा नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। जैसे राधा मंगलवार से स्कूल नहीं जा रही थी, राधा मंगलवार से स्कूल नहीं जा रही थी। सबसे पहले लास्ट में देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, टाइम लिखा हुआ है मंगलवार, और टाइम के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है, से। इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस हो गया। सेंटेंस पहचानिए, सेंटेंस पहचानने के लिए देखिए किससे शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट से शुरू होने वाला वाक्य क्या तो होगा, अफर्मेटिव या होगा नेगेटिव। तो अफर्मेटिव है नेगेटिव है, इसके लिए देखेंगे कि सब्जेक्ट से तो शुरू है लेकिन वाक्य के बीच में क्या लिखा हुआ आ गया, नहीं। सब्जेक्ट से शुरू होने के बाद बीच में यदि ना, नहीं, मत कोई नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ होता है तो वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज राधा, तो हो जाएगा इसमें राधा। फिर आएगा हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है लेकिन हैड बीन एक साथ नहीं आती है, ध्यान रखेंगे इसे, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। राधा हैड, फिर आएगा नोट और फिर आएगी बीन, इस तरीके से हैड बीन के बीच में आएगा नोट। तो राधा हैड नोट बीन वर्ब, जा रही थी, जाने को बोलते हैं गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। राधा हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल मंगलवार से, फिक्स टाइम है मंगलवार से, पॉइंटेड टाइम है, डे ऑफ वीक पॉइंटेड टाइम होता है, उससे पहले क्या लगेगा, पॉइंटेड टाइम से पहले सिंस, तो क्या हो जाएगा, सिंस मंगलवार से ट्यूजडे, इस तरीके से ट्रांसलेशन हो जाता है। इसका एक और उदाहरण लेते हैं हम, हम 2 घंटों से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं कर रहे थे, हम 2 घंटों से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। सबसे पहले क्या पहचानेंगे, टेंस, वाक्य के लास्ट में रहे थे लिखा हुआ आ गया, टाइम लिखा हुआ आ गया 2 घंटे,
और टाइम के ठीक बाद में क्या लिखा होना चाहिए, से, तो से भी लिखा हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस हो गया। सेंटेंस पहचाना किससे शुरू हो रहा है, हम सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, वाक्य के बीच में नहीं लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव। पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस ये हो गया। ट्रांसलेशन करते हैं, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, हम, तो ये हो गया वी। हैड बीन एक साथ नहीं आता नेगेटिव में, हैड आएगा, हैड के बाद आएगा नोट और नोट के बाद आएगा बीन, तो वी हैड नोट बीन हल करने का प्रयास नहीं कर रहे थे, प्रयास करना ट्राई और ट्राई में आई एन जी, तो वी हैड नोट बीन ट्राइंग, ट्राइंग हल करने का, ट्राइंग टू सॉल्व इस प्रश्न को, दिस क्वेश्चन, वी हैड नॉट बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 2 घंटों से। देखिए समय से पहले यदि काउंटिंग आ गई, घंटा टाइम है, तो काउंटिंग आ गई तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ टाइम हो गया, वैसे भी 2 घंटे, 1 घंटा और 1 घंटा ड्यूरेशन हो गई 2 घंटे की, तो ड्यूरेशन से पहले क्या लगता है 4, तो क्या लग जाएगा 4 2 hours. We had not been trying to solve this question for 2 hours. इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। बहुत ही इजी टेंस है, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन की जाती है। नंबर थर्ड, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की पहचान हम जानते हैं, टेंस के अंतर्गत हम उसे ही इंट्रोगेटिव मानते हैं जो किससे शुरू होना चाहिए, क्या से शुरू होना चाहिए, और अंडरस्टूड है इंट्रोगेटिव है तो भैया वाक्य के लास्ट में प्रश्नार्थक चिन्ह लगा होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा होगा, ये पहचान हो गई इसकी। इसका फॉर्मूला हम देखें तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हम करते हुए आए हैं, क्या है फॉर्मूला उसका, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहां उसको हम खोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो हैड बीन एक साथ नहीं आएगी, क्या होगा उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस का ध्यान है आपको, क्या किया था उसमें, सबसे पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हो जाएगा सिंस या फोर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। हैड बीन है सहायक क्रिया, लेकिन हैड बीन एक साथ ना आकर के पहले आएगा हैड, हैड के बाद आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लगेगी बीन, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जैसे क्या मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, सबसे पहले टेंस पहचानना है, टेंस पहचानने के लिए देखा लास्ट में रहा था रही थी आ गया, टाइम इज ऑल्सो मैंशनड हियर, समय किसी भी टेंस में हो सकता है, लेकिन परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस के लिए जरूरी है कि उसके ठीक बाद में लिखा हुआ आना चाहिए से, तो से भी लिखा हुआ हो गया, तो कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस हो गया। सेंटेंस कौन सा है, अरे वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, किससे शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव तो है। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव तो नहीं है कहीं वाक्य के बीच में, ना है नहीं मत लिखा हुआ नहीं है, तो केवल क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी केवल एक ही है, तो सब्जेक्ट के बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सब्जेक्ट एक वचन का तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन की, सब्जेक्ट बहुवचन का तो हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की, लेकिन यहाँ पर एक ही है तो केवल हैड हो जाएगा। हैड सब्जेक्ट कौन है, कार्य कौन कर रहा है, मैं, तो हैड आई फिर लगेगा बीन, हैड आई बीन वर्ब क्या है,
पढ़ रहा था, पढ़ना रीड, और रीड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हैड आई बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा था, इंग्लिश, हैड आई बीन रीडिंग इंग्लिश, दो घंटे से ग्रुप ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो क्या लगेगा इससे पहले, फोर टू आवर्स, तो हैड आई बीन रीडिंग इंग्लिश फोर टू आवर्स, इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं। इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या सीता जनवरी से ऑफिस जा रही थी? क्या सीता जनवरी से ऑफिस जा रही थी, वाक्य के लास्ट में रात आ रही थी, टाइम, टाइम के बाद में से, पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस हो गया, सेंटेंस पहचाना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या से शुरू है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ना नहीं मत लिखा हुआ नहीं है। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा, हैड, सब्जेक्ट कौन है, सीता, तो हैड सीता बीन, हैड के सब्जेक्ट के बाद लगेगा बीन, तो हैड सीता बीन, वर्ब क्या है, जा रही थी, तो गो में लग जाएगा आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, कहाँ जा रही थी, गोइंग टू ऑफिस, हैड सीता बीन गोइंग टू ऑफिस जनवरी से, नेम ऑफ मंथ पॉइंटेड टाइम होता है, तो क्या लगेगा, सिंस जनवरी, क्वेश्चन मार्क, हैड सीता बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस जनवरी। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना आपने सीख लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव है, वाक्य क्या से शुरू भी होगा, वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, नेगेटिव है तो वाक्य में, वाक्य के बीच में ना नहीं मत में से एक वर्ड लिखा हुआ होगा। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा इसका, सबसे पहले लगेगी हैड, हैड के बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट, और फिर नोट के बाद आएगी बीन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फो प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए जैसे क्या मोहन पांच वर्षों से कैंसर से, क्या मोहन पांच वर्षों से कैंसर से पीड़ित नहीं हो रहा था? क्या मोहन पांच वर्षों से कैंसर से पीड़ित नहीं हो रहा था, वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, टाइम लिखा हुआ आ गया पांच वर्ष, उसके ठीक बाद लिखा हुआ आ गया सी, पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और देखा हमने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या से शुरू है, और वाक्य के बीच में नहीं भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, हेड, हेड के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो हैड मोहन, फिर आएगा नोट, हैड मोहन नोट
बीन, हैड मोहन नोट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पीड़ित होना, सफर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सफरिंग, हैड मोहन नोट बीन सफरिंग, सफरिंग से, सफरिंग फ्रॉम कैंसर से, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, पांच वर्षों से, पांच वर्ष का क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया, ड्यूरेशन बन गई, तो क्या हो जाएगा, फोर फाइव इयर्स, हैड मोहन नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर फोर फाइव इयर्स। इसका एक और उदाहरण लेंगे, इसमें भी जो हैड बीन है एक साथ नहीं आती है, हैड आएगा, हैड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट और फिर नोट के बाद में लगती है बीन। मेरे जन्म से चाय नहीं पी रही थी, देखा हमने, रहा था, रही थी लिखा हुआ आ गया, साथ में जन्म, मेरा जन्म, टाइम लिखा हुआ आ गया, टाइम के ठीक बाद में से लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस हो गया। फिर हमने देखा क्वेश्चन मार्क है, क्या से शुरू है और वाक्य के बीच में नहीं भी लिखा हुआ है, इट मींस इट इज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आएगी हेल्पिंग वर्ब, केवल हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो सबसे पहले आएगा हैड, हैड के बाद में सब्जेक्ट मदर, मम्मी मतलब मदर, हैड मदर या हैड माय मदर, सब्जेक्ट के बाद में आएगा नोट, नोट के बाद में आएगा बीन, हैड मदर नोट बीन, चाय पीना, पीने के लिए पानी और शराब के लिए ड्रिंक वर्ब काम में आती है और अन्य जो तरल पेय पदार्थ है उनमें आता है टेक, तो हैड मदर नोट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, टेकिंग टी, हैड मदर नोट बीन टेकिंग टी, मेरे जन्म से, जब मेरा जन्म हुआ था तब से, निश्चित समय है, बर्थ टाइम निश्चित है, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, सिंस, तो क्या हो जाएगा इसका, सिंस माई बर्थ, ट्रांसलेशन हो गया इसका, हैड मदर नोट बीन टेकिंग टी सिंस माई बर्थ। इस तरीके से आज हमारा पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक्सरसाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए, उतना ही आपके लिए ये इजी होता हुआ चला जाएगा। थैंक यू।